ओके सो एपिडेमियोलॉजी वर्ड आपने वैसे किसी ने सुना है एपिडेमियोलॉजी के बारे में कि एक शब्द क्या होता है एपिडेमियोलॉजी? याद नहीं यार, कोई बात नहीं। हाँ, महामारी आप कह रहे हो, पर महामारी में अगर बात करें तो एक शब्द आता है जिसको अपन पैंडेमिक कहते हैं, ओके, एंडेमिक कहते हैं या फिर एपिडेमिक भी कहते हैं। ये शब्द, तीनों जो शब्द है ना, ये एपिडेमियोलॉजी में आते हैं। ओके, ठीक है, पैंडेमिक, एंडेमिक और एपिडेमिक। पैंडेमिक होता है कोई डिजीज है, वो पर्टिकुलर एक एरिया से शुरू हुई और वो ऑल ओवर वर्ल्ड में फैल गई, जैसे कोरोना। कोरोना किसमें आया? वो पैंडेमिक में। एंडेमिक वो होता है जो पर्टिकुलर डिजीज है एक एरिया में शुरू होती है और वो उसी रीजन में रहती है, ठीक है, और वहीं से वो खत्म हो जाती है। एपिडेमिक का मतलब क्या होता है? कि वो डिजीज बार बार अक्कर हो रही है, ठीक है, वो वहां पे हो रही है, खत्म हो रही है और वापस हो रही है, ये होता है एपिडेमिक। ओके, अब हिंदी में शब्द तो भी ढूंढना पड़ेगा, किसका हिंदी में मुझे नहीं पता। नहीं, वो होता है संक्रामक और असंक्रामक, वो कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल होता है। ओके, कम्युनिकेबल जो संक्रामक होते हैं, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलते हैं, वो होते हैं कम्युनिकेबल। ओके, ओके, और एक होते हैं नॉन कम्युनिकेबल, जो असंक्रामक, जैसे किसी के अगर फीवर है या फिर अपन जस्ट फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे किसी के फ्लू है या फिर जुकाम हो रखा है या फिर चिकन पॉक्स है, ठीक है, वो क्या है? डिजीज कम्युनिकेबल, मेरे हो रखी है, आपके अभी तक नहीं हुई तो मेरे से आपके हो जाएगी कॉन्टेक्ट में आने पे। और एक होती है नॉन कम्युनिकेबल, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती, जैसे किसी के हार्ट की प्रॉब्लम है, ठीक है, किसी के जैसे फॉर एग्जाम्पल कैंसर है, HIV तो अगर बात करें तो वो तो कांटेक्ट में आने से फैलेगी। बट वो अगर बात करें कि जैसे मैं आपको और इजीली एग्जांपल दूं, जैसे कार्डियक है, ठीक है, जैसे हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज है, ये नॉन कम्युनिकेबल में आता है। ओके, सो यहां पे अपन बात कर रहे थे एपिडेमियोलॉजी के बारे में। ठीक है, इसके बारे अपन डिस्कशन के हिंदी में, आप इसका गूगल पे देख लेना, मुझे इसका हिंदी में नहीं पता, बट अपन, हाँ कोई बात, ठीक है, ये मैं आपको सारे शब्द लिखाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है ना। एंडेमिक क्या होता है, पैंडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक क्या होता है, इन्फेक्शन क्या होता है, कंटामिनेशन क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अपन बात करते हैं एपिडेमियोलॉजी के बारे में। तो एपी का मतलब क्या होता है? यहां पर शब्द तीन शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहला शब्द है वो है एपी। एपी का मतलब क्या होता है? अपॉन। ओके, डेमियो, ये वर्ड आया डेमोस से, मतलब पीपल या फिर लोग या फिर, ठीक है, लॉजी मींस स्टडी और साइंस। ओके, आप इसको, चलो एक साइंस ही कहते। ओके, ओके, तो यहां पे क्या हो रहा है? लोगों के ऊपर जो स्टडी की जाए, जो साइंस है, ओके, जो भी जैसे फॉर लोगों पे कोई भी डिजीज का आउटब्रेक होता है या फिर किसी तरह भी कोई भी उनमें हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी इफेक्टेड फैक्टर्स होते हैं, जो अफेक्ट कर रहे होते हैं, उन सब की जो स्टडी की जाती है, उन सब की जो साइंस है, उसको अपन क्या कहते हैं? एपिडेमियोलॉजी। ओके, अब इसमें काफी सारी डिजीज होती है, डिजीज पर अगर बात करें, फॉर एग्जाम्पल कोई बीमारी है, ठीक है, कोई भी डिजीज, मान लीजिए आप कोविड, कोविड याद है ना सबको, कोई भूल तो नहीं गया, वो कभी नहीं भूल पाओगे ना लाइफ में, हाँ, बहुत सारे लोगों की इसने लाइफ चेंज की है, लोगों की लाइफ स्टाइल के, लोगों का जीना बिल्कुल बदल दिया था। ठीक है, बात करें COVID-19 की, तो ये अब बीमारी की अगर बात करें तो इसकी जो स्टडी की जा रही है, ओके,
इसके बारे में पूरी स्टडी कौन करता है? एपिडेमियोलॉजिस्ट। एपिडेमियोलॉजी में जो एपिडेमियोलॉजी जो वर्क करता है उसको अपन कहते हैं एपिडेमियोलॉजिस्ट। जैसे कोई डॉक्टर है जो चमड़ी का डॉक्टर है तो उसको क्या कहेंगे? चमड़ी के डॉक्टर, स्किन के डॉक्टर को। अब सर नर्सिंग कर रहे हैं तो सबको पता होना चाहिए। वेरी गुड, डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट कोई कैंसर का डॉक्टर है तो ऑनकोलॉजिस्ट। आपको पता है सबको? नहीं पता है, मैं आपको बता देता हूं। ऑनकोलॉजिस्ट जो है कैंसर का डॉक्टर, ठीक है। अब कोई हार्ट का डॉक्टर है तो उसको क्या कहेंगे? ये सबको पता है, कार्डियोलॉजिस्ट। अगर कोई ब्रेन का डॉक्टर है तो उसको क्या कहेंगे? न्यूरोलॉजिस्ट। अब इसमें जो सर्जरी करता है उसको न्यूरोसर्जन कहते हैं, ठीक है। कार्डियोसर्जन है जिसको अपन सीटीवीएस में कहेंगे। ओके, और अपने हड्डियों का डॉक्टर क्या कहेंगे? सबको पता है ना, जो नॉर्मल डॉक्टर, जो जनरल डॉक्टर होता है जो सभी डिजीज के लिए, उसको अपन क्या कहते हैं? जनरल फिजिशियन, ठीक है। या फिर मेडिसिन है, गायनेकोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट जिसको बात करें स्त्री रोग विशेषज्ञ कहा जाता है। हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं। और कोई डॉक्टर? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आंखों के डॉक्टर को। बच्चों का डॉक्टर है तो उसको पीडियाट्रिशियन कहेंगे। आपको हर जगह डॉक्टर मिलेंगे आपको, ठीक है। तो वैसे ही यहां पे जो एपिडेमियोलॉजी की अगर बात करें तो कोई भी बीमारी, जैसे कोविड 19 था, अब कोविड 19 बीमारी है ये शुरू कहां से हुई, फैली कैसे, फैलने का तरीका क्या था और कैसे इसको अपन रोक सकते हैं, इसके डीप तक जाने के लिए जो पूरी स्टडी करता है ना वो होता है एपिडेमियोलॉजिस्ट। ओके, जैसे ये सवाल बहुत सारे पूछते हैं कि बीमारी कहां से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, कब शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, अब इसका क्या आउटकम है, क्या क्या इसके प्रभाव पड़ेंगे, ये सारी चीजें कौन करता है स्टडी? एपिडेमियोलॉजिस्ट। चाहे वो किसी भी डिजीज के लिए, किसी भी डिजीज के आउटब्रेक को कंट्रोल के लिए चेक करने के लिए एपिडेमियोलॉजिस्ट होता है, ठीक है। तो ये एपिडेमियोलॉजिस्ट क्या करता है? लोगों के ऊपर किसी भी तरह की कोई सडनली डिजीज आ जाती है या फिर किसी से कोई आउट बात का आउटब्रेक हो जाता है तो उसकी स्टडी करता है, ठीक है, कि उस डिजीज को कौन कौन से प्रभाव पड़ेंगे, कौन कौन से चीजें उस डिजीज को बढ़ाती है या कम करती है। बहुत सारे लोगों को लगा था कि कोविड-19 है वो गर्मी आने से खत्म हो जाएगा, पर क्या ऐसा हुआ? नहीं होता। ओके, तो ये सारी स्टडी कौन करता है? एपिडेमियोलॉजिस्ट। तो अब आप लिखिए, आप इसकी हेडिंग लगाइए, सबसे पहला तो लिखिए कुछ एपिडेमियोलॉजी में। हाँ, आप इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी है, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो लिखवा रहा हूं। हिंदी और इंग्लिश सबको समझ आ रही है? इंग्लिश में कोई शब्द किसी को दिक्कत तो नहीं है? आपको आज शायद हो सकता है दिक्कत आए, बट तो आप जब बार बार पढ़ोगे ना तो चीजें समझ में आने लग जाएगी। हाँ, आपको कोई भी समझ नहीं, बिल्कुल आप पूछिएगा, ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं है उसमें। ओके, लिख दिया। ये टर्मिनोलॉजी मतलब क्या है?
कि बहुत सारी ऐसी टर्म्स होती है जो शब्द को अपने आप पता है पर उसके अंदर उसका मतलब क्या हमें नहीं पता। जैसे बात करें सबसे पहला है इन्फेक्शन, ये शब्द तो बहुत सुना है कि उस मरीज की इन्फेक्शन हो गया, हाँ उसके कानों में इन्फेक्शन हो गया, उसका लंग्स में इन्फेक्शन हो गया, कोविड के कारण बहुत सारे लोगों के लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता, बट इन्फेक्शन वर्ड होता क्या है, कोई बताएगा आप में से कि इन्फेक्शन शब्द क्या होता है? हाँ कुछ हद तक सही है, मैं उसको और थोड़ा सा डीप में बताऊं। इन्फेक्शन का मतलब ये होता है कि बाहर से किसी फॉरेन बॉडी बैक्टीरिया का वायरस का बॉडी में एंटर होना, फिर उसका मल्टीप्लिकेशन करना, उसको और प्रोड्यूसिंग करना, जिसके कारण बॉडी में क्या होती है इन्फेक्शन होता है। ठीक है तो आप लिखिए इन्फेक्शन का द एंट्री, हाँ इसी के अंदर लिखिए आप द एंट्री एंड डेवलपमेंट, द एंट्री एंड डेवलपमेंट डेवलपमेंट और मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन का मतलब पता है ना आपको, कोई चीज मतलब जैसे बढ़ती रहती है, मल्टीप्लाई होती रहती है। ठीक है मल्टीप्लीकेशन ऑफ एन ए एन ऑफ एन इंफेक्शियस एजेंट ऑफ एन इंफेक्शियस एजेंट और डिजीज प्रोड्यूसिंग और डिजीज प्रोड्यूसिंग एजेंट, डिजीज प्रोड्यूसिंग एजेंट इन द बॉडी ऑफ मैन, इन द बॉडी ऑफ मैन एंड एनिमल्स। बॉडी ऑफ मैन एंड एनिमल्स, अब फुल स्टॉप। इसका वापस एक बार पढ़िए, पढ़ लिया आपने, समझ आ गया क्या होता है इन्फेक्शन, कि किसी भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया का बॉडी में एंटर होना और फिर उसके बाद उसका डेवलपमेंट या मल्टीप्लिकेशन होना, ओके और इसके थ्रू क्या करते हैं वो बॉडी को इन्फेक्ट करता है। बैक्टीरिया बाहर से, बैक्टीरिया तो बाहर से, बॉडी के अंदर बात करें तो बैक्टीरिया कोई वो सर्वाइव नहीं कर, जैसे बॉडी कैसे मैं समझा नहीं कि तुम बत जो कहना चाह, अपनी बॉडी के लिए अगर बात कर, अपनी बॉडी में इन्फेक्शन क्यों नहीं होता, क्योंकि अपनी बॉडी में क्या होती है इम्यूनिटी, इम्यूनिटी इम्यूनिटी क्या करती है अपनी बॉडी के अंदर जो भी बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं ना जो बाहर से उनको किल करती रहती है, ताकि अपनी बॉडी क्या रहती है एकदम हेल्दी रहती है। अगर इम्यूनिटी नहीं होती तो बैक्टीरिया बहुत सारे जो बाहर से, क्योंकि अपने एनवायरमेंट में बहुत सारे बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं, बॉडी के अंदर क्यों नहीं होते, क्योंकि बॉडी के अंदर इम्यूनिटी होती है, वो क्या करती है जैसे कोई बाहर से बैक्टीरिया है उसको
जो ऐसी कोई भी चीज आएगी जो शरीर के लिए नुकसानदायक है उसको ये क्या कर देती है, खत्म कर देती है। ठीक है, बहुत से तो वो बाहर से कोई चीजें आती है, बाहर से अगर बात कर वायरल होता है फिर तो बॉडी के अंदर थोड़े, वो तो बाहर से आता है। ठीक है, अब बाहर से आता है अपनी बॉडी उसके लिए फाइट करती है, इम्यूनिटी उससे फाइट करती है, पर इम्यूनिटी यूं तो है नहीं कि बस वो आयन उसको काबू, और बैक्टीरिया बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे वायरल एक साथ में आता है, तो उन सबको रोकने के लिए थोड़ा सा बॉडी को क्या करना पड़ता है, अपना टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। तो फीवर क्या है, एक तरह का क्या, एक तरह का साइन है। ठीक है, वो किसी तरह कोई बीमारी नहीं है। आपको लगे तो जो बुखार है, बुखार आता है ना, तो किसी को बीमारी नहीं है, एक बॉडी का एक लक्षण है कि हाँ कि अपने शरीर में कोई इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, लिख दिया ये, आप समझ आ गया। अगला लिखिए आप, कंटामिनेशन। मैं लिख रहा हूं एक बार ताकि क्या आप मिस्टेक नहीं करें। कंटामिनेशन आपने सुना होगा काफी सारे बार कि ये कंटामिनेटेड चीज हो गई है, ये कपड़ा कंटामिनेटेड है, या ये दूध कंटामिनेटेड हो गया है। ठीक है, तो कंटामिनेट का मतलब ये होता है कि द प्रेजेंस ऑफ द प्रेजेंस द प्रेजेंस ऑफ एन ए एन एन इन्फेक्शियस एजेंट, द प्रेजेंस ऑफ ऑफ एन इन्फेक्शियस एजेंट, द प्रेजेंस ऑफ एन इन्फेक्शियस एजेंट ऑन ए बॉडी सरफेस, शरीर की चमड़ी के ऊपर, सरफेस के ऊपर, और या फिर बॉडी सरफेस कॉमा करके लिख दो, क्लोथ्स और क्लोथ्स कॉमा टॉयज खिलौने बेड्स बिस्तर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स आप में से कोई ओटी में कभी काम किया किसी ने? हाँ, ओटी पता है क्या होता है? ऑपरेशन थिएटर। तो वहां पे किसी चीज का ध्यान कितना ज्यादा रखा जाता है कि कोई भी इन बात के कंटामिनेट चीजें अंदर नहीं जा सकती। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और अदर आर्टिकल्स और अदर आर्टिकल्स such as water milk food or food अगला लिखिए आप, नंबर थ्री, कम्युनिकेबल कंटामिनेशन का शॉर्ट में मतलब ये होता है कि कोई भी किसी तरह का कोई इन्फेक्शियस एजेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, बैक्टीरिया वायरस है, अब ये अपने आसपास से तो है,
ठीक है, ये अपने स्किन के ऊपर, अपने कपड़ों के ऊपर, हर जगह होता है कंटामिनेशन। ठीक है, जैसे ही कोई बात करेगी ये किसी चीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखा होगा कि अपनी बॉडी के ऊपर जैसे कोई कट वगैरह लगता है, ठीक है, तो इन्फेक्शन कहां से होता है? जैसे अपने अगर बात की, अपने टीटी का इंजेक्शन लगाते हैं ना, ठीक है, तो अपने कोई भी चोट लगती है, चोट लगती है तो जब अपने किसी लोहे आयरन का कोई आइटम वस्तु के अपनी चोट लगती है तो आयरन के ऊपर क्या होता है, ये इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे ही वहां पे अपन टच कर अपना ब्लीडिंग होगी तो एजेंट कहां चले जाएगा अपने ब्लड के अंदर, तो वो जो कॉन्टेक्ट हुआ ना वो क्या हुआ, कंटामिनेशन। अब वो इन्फेक्शन अपने ब्लड के अंदर चलेगी, ब्लड से अपनी बॉडी के अंदर, उसके बाद वो क्या करेंगे अपनी बॉडी में बीमारी फैलाते हैं, इन्फेक्शन क्रिएट करता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, कंटामिनेशन। अब ओटी के अंदर इस चीज का खास ध्यान रखा जाता है कि वहां पे जो भी आपने आर्टिकल्स यूज करते हो, आप अंदर जाते हो, उससे पहले आपने देखा होगा कि आपको सबसे पहले तो शू कवर पहनना पड़ता है, हेयर कैप पहननी पड़ती है, मास्क पहनना पड़ता है, स्पेक्स या ग्लासेस पहननी पड़ती है, ग्लव्स पहनने होते हैं, गाउन पहनना होता है, फिर आपको अंदर जाने दिया जाता है। हाँ, डायरेक्टली क्यों नहीं जाने दिया जाता, इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, तो वो इसी चीज के लिए। अब तीसरा आप लिखिए, कम्युनिकेबल डिजीज। आप चाहो तो एक बार देख, मैं आपको देख के बता देता हूं कि इसका हिंदी में मतलब क्या होता है कंटामिनेशन का। कंटामिनेशन का हिंदी में मतलब होता है दूषण या प्रदूषण, तो पॉल्यूशन हो गया, हाँ दूषण लिखा हुआ है, दूषितकरण करना, कंटामिनेशन दूषितकरण। ये है हिंदी में मतलब, तो आप जो चाहो आप हिंदी में चाहो तो हिंदी में समझ सकते हो और इंग्लिश में आपको, कम्युनिकेबल डिजीज या फिर इसको हिंदी में कहते हैं संक्रामक रोग। ओके, तो कम्युनिकेबल डिजीज लिखे